अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बेहद खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में इसी तरह हमेशा खुश रखे। आज जद्दा का वेदर फिर बहुत ज़्यादा प्यारा और सम हुआ हुआ था, तो हम जा रहे हैं सी साइड पे, एक मस्जिद है उसको देखने। तो लेट्स गो, आप भी हमारे साथ चलें, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बारिश हल्की हल्की बार बार होती जा रही है और वेदर ऑसम हो गया। तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया वेदर ऐसा ही है और हल्की हल्की बारिश होती रहती है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं, तकरीबन थोड़ी देर में 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर आपको उस मस्जिद का भी विज़िट करवाएंगे। रहिएगा हमारे साथ ही। लेकिन इतनी पहले वो दोबारा मारे हल्की है बारिश लगती है कि थोड़ी देर बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर होती है, फिर शुरू हो जाती है। रास्ते में आज बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ बारिश हो गई, जैसे बादल है बारिश लग रहे हैं आज ही सारे बरसे। रास्ते बंद ही ना हो, कभी कभी ये भी होता है कि रास्ते उन्होंने बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन का काम इधर चल रहा है सी साइड पे, तो मोस्टली रास्ते बंद भी होते हैं। देखते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह करे कि खुले हो रास्ते और हम भी चले जाएं। तो गाइस देखिए, फाइनली रास्ता ओपन है और हम जा रहे हैं। तो ये हम इंटर कर गए हैं सी साइड पे। ये देखिए क्या चीज बनी हुई, शेल्टर सा। शेल्टर सा काफी बड़ा सारा बना हुआ है, लोग एंजॉय करने आए हुए। इधर पार्किंग है मेरा ख्याल। पार्किंग है ना? वो आगे भी है, इधर देखते हैं अगर है। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं, अब हम गाड़ी से उतर रहे हैं तो कि अब जाएंगे आगे। ये यॉट क्लब जद्दा में हम आ गए हैं और फूल देखें कितने प्यारे हैं। ध्यान चलिएगा, स्लिपरी हो रहा है। मस्जिद ध्यान से, बारिश बोल रही है। अच्छा और जगह पे यहाँ पे चलो ये देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चले जाएंगे। ये यॉट क्लब है, इधर आना पड़ेगा, उधर नहीं जाना, मना करते हैं। मस्जिद
वो उधर मस्जिद है, ये सही है, वो स्लिपरी है, इस पे चलते हैं कि नहीं? ये लकड़ी वाला है ना थोड़ा, तो इस पे फिर भी चला जा रहा है। पानी ग्रीन ही है। ये अच्छा बना हुआ है ना, सारी घूमने की जगह बन रही है। हाँ, हर चीज बनाई हुई है, अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी प्रोजेक्ट वो साथ साथ काम भी हो रहा है ना। ये देखिए काफी अच्छा है। देखें कितना बड़ा पॉलर लगा है, पार्क बनाया हुआ इन्होंने। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ग्रीनरी से भरे हुए। ये यार्ड है, यार्ड क्लब है कोई। अब हमने वो मस्जिद नहीं जाना है। ये देखें जद्दा यार्ड क्लब, काफ़ी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। हम भी बहुत सारी चीज़ें अभी कंस्ट्रक्शन में हैं जो बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन भी जा रही है और टूरिज्म भी जा रही है। और वेदर ऑसम है। चलिए हमारे साथ, अब हम मस्जिद वाली साइड पे ही जा रहे हैं। वो मस्जिद का मीनार अगर आना शुरू हो गया हमें करे करे। ये देखिए हमें मस्जिद नजर आना शुरू हो गई है। समंदर के अंदर इन्होंने बनाई हुई है, समंदर के अंदर जद्दा यार्ड। ये मस्जिद अब नजर आना शुरू हो गई और हम बस थोड़े से फासले पे रह गए। अब हम जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखें, ये अब हम उधर से जा रहे हैं। ये देखें कितनी प्यारी है, वाइट कलर में। बस हम पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए विज़िट करने के लिए। इकबाल का शहीन भी अभी नज़र आ गया इतनी दूर, गोल्डन कलर में बनाया हुआ है। देखें समंदर के अंदर मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखें पिक्चर लुक इसकी, देखें इधर से सारी। ये देखिए एक मिनट है ना, इधर से आके बनवाओ, ये ज़्यादा लुक अच्छी आ रही है। इधर से आएंगे। देखिए समंदर के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है, कितना अच्छा। ये देखिए समंदर के अंदर, और इस सब अंदर का व्यू मैं आपको जाके दिखाती हूँ। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। सब अंदर चले, पाँव सारे गंदे हो गए। हमारे तरह बातें कर रहे हैं उनको, हम वो भी हंस रहे हैं। हाँ, आ जाए अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं अंदर चल के क्या है। Thank you.
सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए मस्ती को, तो हम भी देखने जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, लकड़ी का बनाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कितना अच्छा ये आगे से व्यू आ रहा है। और ये देखिए टूरिस्ट आए हैं बहुत सारे लोग, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए समुद्र के अंदर बनी हुई है, कितना लुक अच्छा। सारी मछली काफी बड़ी बता रही है, ये अंदर से भी है, ले आओ साथ। ये देखिए अंदर से भी सारी मछली कितनी प्यारी बनी हुई है। सारी इसकी बुक्स काशिकारी देखे, कितनी प्यारी हुई हुई है। ये देखे कितनी प्यारी लुक लग रही है, सारी तो प्यारा व्यू है। फनूस लगे हुए इसी तरह, सारी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये मस्त है, के सेहन में आ गया। बाहर बाहर दिखे कितनी प्यारी है, बाहर से इसकी लुक देखिए। ये सारा समंदर, इस समंदर के ऊपर बनाई हुई है। ये देखिए समंदर का कितना प्यारा व्यू लग रहा है, देखने में इतना गहरा तो नहीं लग रहा इस साइड से, लेकिन है बहुत ज्यादा गहरा। वाह, ये देखिए अब हम पाए वाली साइड पे आ गए, तो समंदर ठाठे मार रहा है। बनाए बनाए देखिए स्कूटीज पड़ी हुई है, किराए पे मिल जाती हैं, आप लोग आके यहाँ से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मज़े का ये सारा सामान, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जा रहे हैं नीचे समंदर तक, ये बहुत ऊंचे ऊंचे स्टेप हैं। हाँ ये देखें बाल का शहीन है कि क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लोग आए हुए हैं, ये छोटे छोटे स्टेप हैं, ये तो मुझसे लिए जा रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टेप नहीं लिए जा रहे थे। मैंने कहा मैं छोटे वाले स्टेप्स के साथ ही जाऊंगी। और समंदर और बादल एक जैसे हुए लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं स्टडीज के लिए, कुछ वैसे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई इंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये जी कितना अच्छा लग रहा है।
ये इन्होंने रेड और वाइट कलर के जो लगाए हैं यहाँ तक उन्होंने कहा है कि आप जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते। उन्होंने एक हदूद मुकर्रर की हुई है। कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, आप उधर जा सकते हैं कैफ़े पे, और होटल्स बने हुए हैं। ये तकरीबन 4 बजे तक ओपन होता है ये मस्जिद वाली साइड, और सुबह बंद होती है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, विजिटर बहुत आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग विजिटर देखें। विजिटर आए हुए विजिट करने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। बस अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। ये पूरी मस्जिद का व्यू है जो कि कितना प्यारा लग रहा है कि फुल मस्जिद है। ये मस्जिद जो इन्होंने समंदर के अंदर बनाई हुई है, लुक प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ओके, आज मैंने आपको ये मस्जिद का विज़िट करवाया जो कि जद्दा में है और सी पॉइंट पे है, समंदर के अंदर ही इन्होंने बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपको अंदर सारी विज़िट करवाई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगेगा। काइंडली मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको नई नई और मज़े मज़े की वीडियो मैं आपको दिखा सकूँ, जद्दा की जो बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह है वो घुमा सकूँ। ओके, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।